सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युट फिट एंड फाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक और स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके बारे में बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो उससे थोड़ी सी आवाज़ भारी भारी या देख लेना, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले, इस यूट्यूब चैनल पर मैं बेहतरीन स्कॉलरशिप रिलेटेड कंटेंट और ऑनलाइन कोर्सेज, स्कॉलरशिप रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड, बहुत बेहतरीन सर्टिफिकेट रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाइए, और वीडियो अच्छा पसंद अगर आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपके साथ में जो अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंप्यूटर स्क्रीन जो आपको पैनल दिख रहा है, इस पैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जैसे आप जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद में आप ऐसे इंटरफेरेंस पर खुल जाओगे। आपको आपके पास सिंपली जाना है स्कॉलरशिप पे, और कॉलेज स्टूडेंट पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो स्कॉलरशिप का नाम है यहाँ पे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप 2022 फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। अगर इस स्कॉलरशिप की बात करें तो इसके अंदर ओनली फॉर गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। तो जितने भी आपके गर्ल्स दोस्त हैं, चाहे आपके फ्रेंड लोग, फैमिली मेंबर में जितने भी हो गए, तो उसके साथ जरूर से शेयर कर देना। इस आर्टिकल के ऊपर आपको रीड मोर सिंपली क्लिक करना, पहला आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एएम और एनएस की तरफ से आने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर आपके पास 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं उसके ऊपर बात करने वाले, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो 9th से लेके ऊपर, 9th क्लास मिनिमम, 9th क्लास आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप 9th क्लास के अंदर हो तो आप अपने से अप्लाई कर सकते हो। और ऊपर आप कहाँ, कोई भी आप, चाहे पीजी कर रहे हो, चाहे यूजी कर रहे हो, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई वगैरह वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर हो तो मिनिमम आपको 60% चाहिए होगी आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर आप 9th के अंदर हो तो 8th के अंदर 60%, उसी तरीके से आप 11th में हो तो 10th के अंदर, 12th के अंदर हो तो 11th के अंदर, ठीक है। बात करते हैं जेंडर, तो ओनली फॉर गर्ल्स फीमेल्स के लिए है। और अगर आप इन चार क्लासेस के अंदर हो तो आपकी फैमिली इनकम जो है 5 लाख पर एनम से कम होनी जरूरी है। अगर हम बात करें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो किस प्रकार से, कितना अमाउंट मिलने वाला है आपको, तो स्कॉलरशिप अगर आपको इन कैंडिडेट के अंदर हो तो आपको 24,000 रुपये पर ईयर मिलने वाले हैं। एक साल में एक ही बार मिलेंगे, लेकिन 24,000 रुपये मिलेंगे। वही अगर आप कैंडिडेट हो बी बी टेक के या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे 40,000 रुपये मिलने वाले हैं, फॉर ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट स्टूडेंट। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, जैसे मैंने बोला कि जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनको बेनिफिट मिल सके तो उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका खुद का आइडेंटिटी प्रूफ, जो आधार कार्ड होता है, एड्रेस का प्रूफ जो आपकी जिसमें भी परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट अगर आप 10th के अंदर हो तो 9th की मार्कशीट, 12th के अंदर हो तो 11th की मार्कशीट, इनकम प्रूफ, आरटीआई सैलरी सर्टिफिकेट जिसके अंदर भी आपका एनुअल इनकम जो है 5 लाख से कम हो वो वाला प्रूफ लगाना है यहाँ पे, स्टूडेंट का नाम का, पेरेंट्स के नाम का, बैंक पासबुक, फीस रिसिप्ट लगानी है आपकी, जो अपने कॉलेज के अंदर, जो भी स्कूल के अंदर आपने फीस भरी है तो उसकी रिसिप्ट लगानी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से और कॉलेज से सील साइन करके बनता है तो उसका यहाँ पे लगने वाला है। स्कॉलरशिप की बात करें, अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपके आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि आपके माने होने वाले, अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो तो मैं लेके आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी। मैं बात करने वाला फिर री लेवल के बारे में। री लेवल का एक सिंपल टेस्ट दिया गया कि आप इंडिया की 200 से ज़्यादा कंपनी स्टार्टअप के अंदर आप जॉब पा सकते हो। बेसिकली करना कुछ नहीं, री लेवल का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाना। जैसे आप जाओगे आपके सामने बताए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एंड ऑल कैटेगरी आपको चूज करनी है। एंड कैटेगरी चूज करने का आपके टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अगर आप उसको टेस्ट के अंदर 50% से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो री लेवल आपको प्रोवाइड कराता है गुडीज एंड ऑल, मैकबुक के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट एंड ऑल। उसी के साथ साथ अगर आप 50% से ज़्यादा स्कोर करते हो तो री लेवल के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स देखने को मिलते हैं, जिसके भी अंदर आपको इंटरेस्टेड है तो उसका टेस्ट रजिस्टर करके आप उस जॉब को पा सकते हो। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ स्वाति रानी के बारे में, जिसने रिसेंटली डिसेंट्रो कंपनी के अंदर एचआर फील्ड की जो जॉब रोल है उसको क्रैक किया है। स्वाति का मानना है कि ये उनका बचपन से ही डिफरेंट फील्ड के अंदर जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहा है, इसीलिए उन्होंने एचआर फील्ड के अंदर जॉब ले ली है। अगर आप री लेवल के अंदर अच्छा स्कोर करते हो, जैसे 50% से ज़्यादा स्कोर करते हो, तो री लेवल आपको प्रोवाइड कराता है गुडीज, मैकबुक के प्रोडक्ट एंड ऑल, जो आपको घर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करता है अगर आप अच्छा स्कोर करते हो। तो सिर्फ टेस्ट को क्लियर करना है, तो उस टेस्ट के लिए रजिस्टर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाओ उस टेस्ट के लिए सिंपली रजिस्टर कर सकते हो और उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। और साथ ही में री लेवल अगर डेली बेसिस की बात करूं तो 36 लाख रुपए वर्थ की जो बेसिस पे डेली बेसिस पे जॉब जो है प्रोवाइड करा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 36 लाख रुपए। तो फटाफट जाओ, मैं बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लेवल का लिंक है, वहां पे जाके साइन अप कर सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वापस, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप्लाई कहाँ करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको विद्या सारथी का यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, जहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब इस पे जैसे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर
AMNS इंडिया जो आ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टूडेंट जो है, अगर आप परस्यूइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एट स्टेट लेवल उसके अंदर हो तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये एक परस्यूइंग अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट नेशनल लेवल पे अगर आप स्पोर्ट्स को खेल रहे हो तो 50,000 मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, वेट 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 वेट, ये आप रजिस्टर पैनल खुल गया। ओके नाउ अगर आप IAS एस्पिरेंट हो, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 36,000 रुपये मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो डिग्री कोर्स तो आपको 36,000 रुपये मिलने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे मेडिकल कोर्स कोई कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपये मिलने वाले एक साल का। सबकी एंड डेट अप्लाई करने की जो है यहाँ पे 22/6/2022 है, मतलब 22 तारीख छठा महीना 2022, ठीक है, जून के महीने के अंदर है। अगर आप ITI कर रहे हो तो 12,000, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो गर्ल्स स्टूडेंट और ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 36,000। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है यहाँ पे देख सकते हो। BE/BTECH अगर कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपये मिलने वाले हैं। 9th, 12th, 11th और 10th क्लास की गर्ल्स को यहाँ पे 24,000 रुपये मिलने वाले हैं। जितने भी रिजल्ट हैं आपको अप्लाई कहाँ करना है उसके बारे में बता दो। तो अप्लाई जैसे आप अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो 9th वाले पैनल पर जाकर अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते हो आपके सामने आपके यहाँ पे रजिस्टर न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। न्यू यूज़र को रजिस्टर करने के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ID कन्फर्म पासवर्ड करके एग्री करके सबमिट करना है। और उसके आगे जो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली। यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जरूर से जाकर उसको चेकआउट करना। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो सिंपली पहले आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा सा, ठीक है, इससे भी पहले ऐसा वाला, इस तरीके से। तो आपको जाना है स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, कॉलेज स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट पे क्लिक करोगे इस तरीके से आएगा ऊपर, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे बेटी बचाओ न्यू बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप 2022 सर्च करोगे, रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद में आप इस पे पूरा पढ़ सकते हो पहले, और उसके बाद में जो नीचे जो है आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो आपके सामने वापस वो ये वाला पोर्टल जो है खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस चैनल पे मैं बेहतरीन बेहतरीन स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस के जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड लोग हो व्हाट्सअप वगैरह पे जुड़ रखे हो, चाहे फेसबुक पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ भी हो, इस वीडियो को वहाँ पे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। हो सकता है उनके ये फायदा हो और उनके ये वीडियो काम आ सके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, अगर तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल नया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। बाय बाय।